Assalamualaikum, welcome back to my channel, ऐसे कैसे भी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की लास्ट पोएम का कॉन्टेक्स्ट टू लर्न रेफरेंस, और यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग को भी समझेंगे और मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम पे, विच इज द लास्ट पोएम ऑफ क्लास 9, डैफोडिल। यहाँ पे मैं आपको समरी नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने समरी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझाई है, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो के बाद मेरी समरी वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप लोग को हेल्प चाहिए तो आप मेरी ईएस की वेबसाइट से भी हेल्प ले सकते हो कि पास पेपर्स वगैरह में क्या आया हुआ है, गैस पेपर्स किस तरह के आए हुए हैं, पेपर पैटर्न क्या मौजूद है, तो ये सारी चीजें भी बॉन्ड पेपर वगैरह आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो, ईएस की अपनी वेबसाइट पे। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पोएम है द डैफोडिल्स, ठीक। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये पोएट का नाम है, पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और हम कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डैफोडिल्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ के बताऊंगी, देन आपको उर्दू की ट्रांसलेशन बताऊंगी, उसके बाद हम वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया वगैरह भी आपको बताती जाऊंगी। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स on high or valley and hills, when all at once I saw a crowd, a host of garden daffodils beside the lake, beneath the trees, flirting and dancing in the breeze. क्या कह रहा है आगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा को समझते हैं ताकि आपको पोयम की समझ आने लगे। क्या कह रहा है कि अपने बारे में शायद लिख रहा है कि मैं एक दफा जो है वो जा रहा था, यूं ही गुजर रहा था मैं, और मैंने क्या देखा कि बादलों की तरह से जो है वो मैं चलता हुआ जा रहा था, यानी कि इधर उधर जहाँ पे भी मुझे जाना था वहाँ पे मैं बेपरवाह बेफिक्र होके जो है वो जा रहा था अकेला, ठीक है। लोनली कहते हैं अकेले को। आगे क्या कह रहा है, फ्लोर्स ऑन हाई, तो वो क्या कह रहा है, जैसे ही मैंने ऊंची वादियां और पहाड़ देखे, मतलब मैंने अपने आप को इस तरह से फील किया कि मैं जो है वो एक हिल्स पे, और जैसे बादल अपनी ऊंची जगहों से जाता है घूमता हुआ बेफिक्र, इस तरह से मैंने अपने आप को फील किया कि मैं भी जो है पहाड़ और ऊंची वादियों की तरह से बेफिक्र गुजरता जा रहा हूँ वहाँ से। आगे क्या कह रहा है, जबकि अचानक मैंने एक जमे गफीर देखा, आई सॉ अ क्राउड, कहते हैं एक हुजूम को, एक जमे गफीर को, बहुत सारे लोगों का रश जो है वहाँ पे जमा था, और वहाँ पे क्या था, ये मजमा था नरगिस के सुनहरी फूलों का। क्या, किस चीज का क्राउड था, नरगिस के, यानी कि डैफोडिल्स जो है कहते हैं उर्दू में नरगिस के फूल को, गोल्डन डैफोडिल्स यानी कि सुनहरी नरगिस के फूल, ठीक है। आगे यह कह रहा है, झील के साथ साथ दरख्तों के नीचे, बीनीथ द ट्रीज कहते हैं, यानी कि अब तो बीनीथ की जगह अंडर यूज हो रहा है, अंडर द ट्रीज, लेकिन पहले की इंग्लिश में यहाँ पे बीनीथ यूज किया जाता था। तो क्या कह रहा है कि झील के साथ, बिसाइड द लेक यानी कि झील के साथ, और अंडर द ट्रीज यानी कि ट्रीज के नीचे, झूमते हुए और नाचते हुए हवा के साथ, ठीक है। इस तरह का ये पोयम है। उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि उसने बताया कि मैं एक जो है वो बादल की तरह से झूमता हुआ गाता हुआ जा रहा था पहाड़ों और ऊंची वादियों की तरह से, मैंने अपने आप को फील किया, लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि एक हुजूम देखा, किस चीज का, ज्यादा तादाद में सुनहरी डैफोडिल्स नरगिस के फूल लगे हुए थे। कहाँ लगे हुए थे, रिवर के पास दरख्त के नीचे, और वो क्या कर रहे थे, जैसे जैसे हवा चल रही थी तो वो झूम रहे थे, और इस तरह से मुझे लगा कि वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की जो पोइट्री होती है अगर हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली वो अजीब सी थोड़ी सी लगेगी आपको, लेकिन हम पूरी पोयम पढ़ेंगे और उसका स्टैंडर्ड आइडिया समरी वगैरह समझेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड वी ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस टॉसिंग देयर हेड स्प्राइटली डेथ। तो अब क्या कह रहा है, सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है, मुसलसल जैसे के सितारे चमकते हैं और झिलमिलाते हैं मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे हमें पता ही है, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर हम ज्यादा डीप में चले जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि मुसलसल सितारे इस तरह से चमकते हैं और झिलमिलाते हैं मिल्की वे की तरह से, वो एक ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए, नेवर एंडिंग लाइन कहते हैं कि जहां तक हमारी नजर जा सके वहां तक हमें बस वही चीज नजर आए। जैसे अगर आप समंदर पे अगर गए हैं और उसको आपने देखा है तो ता हद निगाह, यानी कि आप जहां तक देख सकते हैं वहां पे आपको क्या दिखता है, सिर्फ पानी पानी दिखता है, लेकिन वो पानी वहां तक खत्म नहीं हो रहा होता, आपकी आंखें जो है उसके आगे नहीं देख सकती, आपकी जो एक लिमिट है आई की वहां तक आप देख सकते हैं, उसके आगे आप नहीं देख सकते, लेकिन उसके आगे भी पानी होता है और वो ना खत्म होने वाली लाइन होती है। तो इसी तरह से पोएट लिख रहा है कि मैंने जहां तक देखा वो मुझे इस तरह से लगे कि झिलमिलाते हुए सितारे और ना खत्म होने वाली एक ऐसी लाइन थी, जहां जहां मैंने अपनी नजर उठा के देखा, वो खलीज के किनारे के साथ सदमार्जन और बे कहते हैं एक जगह को, ठीक है। वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने देखा कि वहां पे एक किनारे पे जो है वो लगे हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा थे कि जैसे ही मैंने उसको नजर उठा के देखा तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा तादाद में एक साथ दिखाई दिए, मैंने एक ही नजर में 10,000 देख लिए, एट अ ग्लांस यानी कि 10,000, जैसे ही मैंने नजर उठाई तो मैंने एक नजर में 10,000 के करीब इतनी ज्यादा मतलब क्वांटिटी के अंदर देख लिए। और क्या देखा कि वो खुशी से रक्स कर रहे हैं यानी कि डांस कर रहे हैं और अपने सर हिला रहे हैं, तो वो डैफोडिल्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने उनको देख के क्या फील किया। आगे क्या कह रहा है, द वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ गोकेंड कंपनी, अ गेज्ड एंड एंगेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, इन पहलू में लहरें भी नाच रही थी, लेकिन यानी कि जो उसकी
फूलों के साथ जो उसकी डंडियां होती हैं उसके बारे में भी बात कर रहा है कि वो भी जो है वो उस तरह से झूम रही थी, लहलहा रही थी, लेकिन जो असल में जहाँ पे फूल लगा हुआ था वो कह रहा है कि वो इतने ज्यादा वेव्स के साथ लहरा रहे थे, झूम रहे थे, कि वो जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे एक शायर के सिवा उसको देख। और वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि एक शायर उसको देखने के अलावा क्या ही कर सकता है, यानी कि एक शायर उन फूलों को झूमता देख के खुश हो रहा है, तो वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। आगे यहाँ कहते हैं ऐसी फूल मुसरत मजलिस में, ठीक है, मजलिस या फिर एक जलसा या कोई इस तरह की जगह जहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में लोग हों या कोई चीज मौजूद हो, तो काफी ज्यादा तादाद में क्या मौजूद था, डेफोडिल्स मौजूद थे, तो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद थी तो मैं उनको देख के और क्या हो सकता हूँ खुश, और मैं खुशी हो सकता हूँ एज अ पोइट। और वो क्या कह रहे हैं आगे, मैंने गौर से देखा लेकिन और फिर सोचा, गेज कहते हैं सोचने को, कि मैंने देखा लेकिन फिर मैंने सोचा और गौर से सोचा कि ये नजारा मुझे कौन सी दौलत दे रहा है, यानी कि उनको इतना ज्यादा सुकून मिल रहा था, प्लीज मिल रहा था, जैनी सुकून मिल रहा था कि उनको देख के ज्यादा खुशी हो रही थी, और फिर उन्होंने एक पॉइंट पे अपने बारे में अपने आप से सवाल किया कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इतना ज्यादा खुश कर रहा है, और ऐसी कौन सी इसमें दौलत है कि मुझे जो है सुकून मिल रहा है इसको देखकर। When on my couch I lie, I awaken or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodil. आगे यहाँ कह रहे हैं कि अक्सर जब भी मैं अपना मतलब काउच पे लेटता हूँ, आराम करता हूँ, तो वो जो सोच थी, वो जो एक मंजर होता है, वो मेरे मूड को खुश कर देता है, वो मेरे अंदर अपने जो है, जैसे ही वो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो मंजर जो है याद आ जाता है, मेरी आंखों में घूमना शुरू हो जाता है और मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ, और वो मेरी तन्हाई में सॉलिट्यूड कहते हैं अकेले रहने को एक तरह से। वो कह रहे हैं कि मैं जब भी अकेला होता हूँ और अपने काउच पर लेटता हूँ तो मुझे मेरा मूड जो है वो अच्छा हो जाता है उस मंजर को सोच के, और वो मेरी तन्हाई की अंदर खुशी का सबब है, और जब मैं वो मंजर सोचता हूँ तो मेरा दिल जो है वो खुशी से लबरेज हो जाता है, यानी खुश हो जाता है बहुत ही ज्यादा, मैं अच्छा फील करता हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं लास्ट लाइन में, और नरगिस के फूलों के साथ साथ नाचता हूँ, यानी कि मैं उनकी तरह से झूमने लग जाता हूँ, मुझे वो ज्यादा खुशी देते हैं। आई होप कि आपको ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन समझ आई होगी। आपको इसको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप समरी भी देखें, उसके अंदर मैंने पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है जो कि आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, सेंट्रल आइडिया में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, समरी में हेल्प करेंगे। अब चलते हैं वर्ड्स मीनिंग पे। कोशिश किया है मैंने कि जो भी वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लग सकती है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया आपके लिए। देखते हैं आगे क्या क्या है। बे कहते हैं गल्फ को, ठीक है, एक यानी कि अब पहले बे का वर्ड यूज किया जाता था पुरानी इंग्लिश के अंदर, अब जो है वो गल्फ एरिया, खलीजी एरिया जिनको कहा जाता है, गल्फ कंट्रीज उसके लिए यूज होता है। ठीक है, बीनीथ कहते हैं बिलो को, ठीक है, बिसाइड कहते हैं नियर को, ब्लिस कहते हैं जॉय को। अब ये सारे वर्ड जो है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर यूज होते हैं और ये सारे जो हैं वो पुरानी इंग्लिश के अंदर यूज होते थे। ठीक है, ब्रीज कहते हैं जेंटल वेव, जेंटल विंड को, यानी कि अच्छी सुनहरी हवा चलने को। कंटिन्यूस कहते हैं अनएंडिंग, यानी कि ना खत्म होने वाली लाइन। ठीक है, क्राउड कहते हैं मॉब को, यानी कि कोई एक हुजूम जहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में कोई चीज मौजूद हो। डेफोडिल्स आ फ्लावर, ठीक है, फूल एक किस्म का फूल। डांस कहते हैं मूव अप एंड डाउन, यानी कि उसको झूमना लहलहाने को डांस कहते हैं, फूलों का लहलहाना। फ्लैश कहते हैं ब्लेज को, ठीक है, कोई भी चीज को आपको दोबारा से अगर आप उसके बारे में सोचें तो आप वहां पे चले जाएं उसी तरह से फील करें जैसे आप वहां पे फील कर रहे थे। फ्लटर कहते हैं टू हैव ऑसिलेटरी एयरबोर्न मोशन, यानी कि एक अच्छा फील करना, एक हल्की हल्की जो है वो कह सकते हैं आपके मूव करना, इधर से उधर जो है वो डांस करना। गे कहते हैं हैप्पी को, गेज कहते हैं लुक स्टीडली, ठीक है, आगे कहते हैं ग्लांस, ग्लांस कहते हैं लुक ब्रीफली, गिव अ क्विक लुक, यानी कि आपने एक ही नजर में बहुत सारी चीजें अगर देख ली, यानी कि नजर उठाते ही काफी ज्यादा तादाद में कोई चीज देखना उसको कहते हैं ग्लांस। ग्ली कहते हैं मेरीमेंट को, हिल कहते हैं अ लिटिल हीप और मोर, यानी कि एक तरह का छोटा सा टीला भी कह सकते हैं आप उसको, कि एक हल्की सी हाइट पे कोई किस तरह की जगह। होस कहते हैं मल्टीट्यूड को, जोकेन कहते हैं मैरी को, लोनली कहते हैं अलोन को, अकेला मैंने यहाँ पे पोएम में भी एक्सप्लेन किया है। मिल्की वे कहते हैं गैलेक्सी को, नेवर एंडिंग कहते हैं अनएंडिंग को, आउटडू कहते हैं सरपेस को, यानी कि पेंसिव कहते हैं थॉटफुल को, यानी कि उस चीज के बारे में सोचना, कोई सोच विचार करना, गौर करना। आगे है हमारे पास शाइन, यानी कि ग्लो करना। सॉलिट्यूड लोनलीनेस को कहते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। स्प्राइटली कहते हैं लिवली को, यानी कि खुश होना, जिंदा दिल महसूस करना। स्ट्रेच कहते हैं एक्सटेंडेड को, टॉस कहते हैं स्वे को, वैकेंट कहते हैं अनऑक्यूपाइड, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब किसी भी चीज का कब्जा ना हो, एक फ्री लैंड कह सकते हैं आप, फ्री जगह। वेल कहते हैं वैली को, पहले वेल यूज होता था, वैली यूज होता है। वैंडर कहते हैं रूम को, हेल्थ कहते हैं रिचेस को, कि कितने वेल्दी है, यानी कितना उसके पास पैसे वगैरह हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी। काफी ज्यादा बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और ट्रांसलेशन वगैरह करवा दें, तो मैंने आप लोगों की
इजी करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी आप इस चीज की समरी भी देखेंगे जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स और समरी को एक्सप्लेन किया है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप उसको देख लें ताकि आप लोगों को वो चीज भी पक्की हो जाए और आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं होगी इंशाल्लाह ताला उसके देखने के बाद। और आप लोग ईएस की अपनी वेबसाइट से भी हेल्प ले सकते हो, मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ईएस की अपनी वेबसाइट भी बना दी है ताकि आप लोगों को पास्ट पेपर्स, नोट्स, गेस्ट पेपर्स वगैरह जो है वो इजीली मिल सके। और अभी उस पे काम जारी है, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इजीली मिल जाएंगे तो आप लोग उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको देख सकते हो। टिल देन अल्लाह।